दोस्तों आज की वीडियो पर मैं पेट में गर्मी होने के कारण, लक्षण और उपाय के बारे में बताएंगे, जिसे अपना के आप गर्मी के मौसम में अपने पेट को ठंडा रख सकते हैं। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू होते ही तीखी धूप आम आदमियों के लिए हमेशा परेशानी का कारण बनता है। इस साल भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में इस मौसम में ना तो खाना अच्छा लगता है, ना ही अच्छी नींद आते है, और इसीलिए हमें इस मौसम में सेहत का ध्यान रखना और पेट को ठंडा रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो कैसे आप अपने पेट को ठंडा रख सकते हैं, इस वीडियो पर मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समीर, आप देख रहे हो क्वेश्चन वर्सेस आंसर। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों गर्मी के मौसम में पेट की गर्मी बढ़ जाती है, जिसके चलते कई तरह की पेट संबंधी रोगों का खतरा बन जाता है। इनमें से अपच, पेट दर्द, पित्त का बढ़ जाना, गैस, पेट में इन्फेक्शन की परेशानी होता है। इसीलिए गर्मी में हर हाल में खुद को और पेट को ठंडा रखना जरूरी होता है। पेट को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले आपको पेट की गर्मी का पहचान करना पड़ेगा। तो अब मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उससे आप पेट की गर्मी का पहचान कर सकेंगे। अगर आपके पेट में गर्मी होता है तो छाती या सीने में हर समय जलन बना रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा और मुंह में खट्टा पानी और खट्टी डकारे आएगा, घबराहट और उल्टी जैसा महसूस होगा और पेट में हर समय जलन और दर्द रहेगा, गले में जलन होगा और हमेशा पेट फूल जाने जैसा महसूस होगा। इसके अलावा कब्ज होना, सिर दर्द होना, पेट में गैस बनना भी पेट की गर्मी को ही दर्शाता है। और दोस्तों पेट की गर्मी और गर्मी की वजह से होने वाली बीमारियों के लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, जैसे कि आपको खाने में मिर्च मसाला का कम से कम सेवन करना चाहिए और आप सादा खाना ही खाए। पानी के साथ दिन की शुरुआत आंवला से कीजिए, आंवला का जूस भी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। आंवला जूस के फायदे के ऊपर मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन से देख लीजिएगा। दोस्तों दोपहर में लस्सी पीना मतलब पेट को ठंडा रखना होता है, और सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए, इससे आपकी पेट अच्छी तरह से साफ होता है और पेट की गर्मी चला जाता है। दोस्तों गर्मी की मौसम में पेट किसी भी वक्त खाली नहीं रहना चाहिए और हमेशा वक्त पर खाना और नाश्ता करना चाहिए, वरना आपको गैस की शिकायत हो सकती है। प्यास लगे या ना लगे पानी पीते रहना चाहिए, जिससे शरीर पर पानी की कमी कभी नहीं होता है। दोस्तों इस गर्मी के मौसम में बेल का शरबत जरूर पीना चाहिए, ये पेट को ठंडा रखता है। साथ ही खीरा और ककड़ी भी जमकर खाए, ये सब आपको पेट ठंडा रखने में मदद करता है। दोस्तों गर्मी के मौसम में अपना पाचन को ठीक रखने के लिए खाने के साथ धनिया, पुदीना और प्याज जरूर खाए, इसकी चटनी बनाकर खाने से भी गर्मी में आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। वही इस आसान तरीके से आप अपने पेट की तकलीफ से भी बच के रह सकते हैं। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं एसिडिटी होने के मुख्य कारण के बारे में बताऊंगा। अगर आप बहुत तेज मिर्च और मसाले वाला भोजन नियमित रूप से करते हैं और सिर्फ मांसाहारी आहार ही लेते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकता है। शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन करना और कुछ पेन किलर दवाइयाँ अपनी मर्जी से लेने से भी एसिडिटी की समस्या होती है। दोस्तों इसके अलावा भी खाने का सही समय निर्धारित ना करना, चाय या कॉफ़ी का अधिक सेवन करना और अनियमित जीवन शैली का पालन करना भी एसिडिटी का कारण होता है। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो तो देख लिया, अब आगे भी देखिए, क्योंकि आगे मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने पेट को ठंडा रख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन पार्ट है। तो चलिए जानते हैं। पेट को ठंडा रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। दूध में मौजूद कैल्शियम पेट के एसिड को एब्जॉर्ब करके उसे बहुत आसानी से ख़त्म कर देता है, इसलिए रोज़ सुबह एक कप ठंडा दूध पीने से आप पेट को ठंडा रख सकते हैं, जो कि एक रामबाण इलाज है। पेट की गर्मी को शांत करके उसे ठंडा रखने में केला बहुत मदद करता है। केले में मौजूद पोटेशियम की मात्रा पेट में बनने वाले एसिड को नियंत्रित करता है और केले का पीएच तत्व एसिड को कम करता है। इसके अलावा केला पेट में चिकनी परत बना देता है,
जिससे एसिडिटी में कमी आती है और केले का फाइबर पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। आयुर्वेद में जीरे को पेट के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मैंने जीरा पानी का फायदा के भी वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जीरा की सहायता से पेट में लार बनती है जो खाना पचने में मदद करता है और एसिड ना बनने के कारण पेट भी ठंडा बना रहता है। तुलसी के पत्तों खाने से पेट में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पेट के अतिरिक्त एसिड में कमी आती है। इसे खाने से मिर्च मसाले वाला खाना भी सरलता से पच जाता है। रोज खाने के बाद 5-6 तुलसी के पत्ते खाने से एसिडिटी नहीं होती है और साथ में पुदीने के पत्ते मुखवास के अलावा पेट के एसिड को कम करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसलिए पुदीने के पत्ते ऐसे ही खा ले या फिर पानी में उबालकर सेवन करें। मैंने इन दोनों पत्ते के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप आई बटन से देख लीजिएगा। दोस्तों, खाना खाने के बाद सौंफ खाने से भी पेट की गर्मी और जलन शांत होती है क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। वही अगर एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा होती है तो सौंफ को पानी में उबालकर उसका सेवन करें, इससे आपकी पेट ठंडा रहेगा। अदरक पाचन तंत्र को ठीक रखने के अलावा शरीर को प्रोटीन भी देता है। इसका नियमित सेवन करने से अल्सर की गांठ नहीं होता है और एसिड भी नहीं बनता है, इसीलिए पेट को ठंडा रखने के लिए अदरक एक उत्तम खाद्य पदार्थ होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लौंग के जूस से स्लाइवा बनता है जिससे खाना पचने में आसानी होती है और एसिडिटी भी नहीं होती है। और मैं आपको बता दूँ कि खाना ठीक से पचने से पेट में आराम मिलता है। ठहरो दोस्तों, अब बारी है घरेलू नुस्खे की, क्योंकि घरेलू नुस्खे तो बनता ही है। दोस्तों, मुलेठी का चूर्ण पेट की गर्मी को मारता है और त्रिफला का चूर्ण दूध के साथ पीने से भी पेट की जलन शांत होती है। जैसे दूध में मुनक्का डालकर पीने से पेट ठंडा रहता है, ठीक वैसे ही सौंफ, गुलाब और आंवला का चूर्ण पेट की हर समस्या को ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप इन सब तरीके को अपनाने के बाद भी आपको समस्या से निजात नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। सो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इससे किसी की मदद हो सकता है। और वीडियो पर आप अपनी कीमती राय जरूर कमेंट करें, मैं जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।